वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 29 जनवरी और हम कवर करेंगे 29 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तरनजीत सिंह सिद्धू। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए, तरनजीत सिंह सिद्धू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन थे? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, ये इससे पहले अमेरिका में भारत के नए राजदूत थे। अच्छा, यदि बात की जाए राजदूत और उच्चायुक्त, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखिए, राजदूत जो हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में ज्वाइन होते हैं, जबकि जो उच्चायुक्त जिन्हें बोलते हैं हाई कमिश्नर, वो कॉमनवेल्थ कंट्री में नियुक्त होते हैं। तो हाल ही में रिसेंटली कुछ इम्पॉर्टेंट उच्चायुक्त या फिर राजदूत नियुक्त हुए हैं, जैसे कि अंजनी कुमार, ये माली में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उससे पहले अमृत लगुन, इनको ग्रीस में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था, जबकि मुक्तेश कुमार पारदेसी, ये न्यूजीलैंड में उच्चायुक्त हैं। क्या हैं? उच्चायुक्त हैं। तो ये चारों पांचों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यदि बात की जाए तरनजीत सिंह सिद्धू की, तो ये रहे तरनजीत सिंह सिद्धू, और इन्हीं को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलते हैं अमेरिका की ओर। तो देखिए, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जॉन रॉबर्ट्स वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, और यूएस डॉलर वहाँ की क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर एन कुमार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर एन कुमार जो हैं वो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर हैं, और उन्हीं को हरित रत्न पुरस्कार से क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, क्यों किया जा रहा है? तो इन्होंने 30 करोड़ रुपए की उद्यमिता परियोजना का प्रसार किया है तथा तमिलनाडु में छात्रों को कृषि के प्रति काफ़ी अग्रसर किया है, ठीक है। और ये जो इनको सम्मान दिया जा रहा है वो अखिल भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा दिया जा रहा है। यदि बात की जाए डॉक्टर एन कुमार की, तो ये रहे डॉक्टर एन कुमार, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्या हैं? वाइस चांसलर हैं। अच्छा, ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर एन कुमार। ऐसे ही डॉक्टर एन राम, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, रिसेंटली एन राम को कौन सा अवार्ड दिया गया है? मैंने कल ही आप लोग को बताया है कि एन राम को केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि कौन है? हिंदू ग्रुप के चेयरमैन हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले भी एक ऑप्शन और है हमारा, ऑप्शन सी यानी कुमार मुन्नन सिंह, इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? तो ये भी मैंने आपको कल क्वेश्चन में पढ़ाया था, ये आपको याद रखना है। तो इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में किसे IBA के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुनील मेहता, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो IBA का मतलब क्या है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, और इसके जो CEO हैं वो सुनील मेहता को नियुक्त किया जा रहा है। तो ये हैं सुनील मेहता, जिनको IBA के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि बात की जाए हाल ही में कुछ ज्वाइनिंग हुई है, जैसे कि पीयूष गोयल जी को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। साथ ही साथ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोच्चि, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, केरल के शहर कोच्चि में पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया गया है।
अच्छा, फैब लैब का मतलब क्या है? तो ये फैब लैब जो है वो फिज़िकल और डिजिटल दुनिया के बीच के अंतर को कम करेगी, यानी कि ये एक डिजिटल टेक्निक पर आधारित क्या है, लैब है, जो कि कोच्चि शहर में खोली गई है। यदि बात की जाए ये किस मिशन के तहत खोली गई है, तो ये केरल स्टार्टअप मिशन के तहत खोली गई है। यदि बात की जाए केरल की, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, एस मानी कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन याद रखना होगा कि रिसेंटली CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो केरल उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य बना, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी पूरी होल कंट्री में CAA और NRCC का काफ़ी विरोध चल रहा है। CAA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पहले जब पास नहीं हुआ था तो ये बिल था, यानी कि कैप था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये चौथा राज्य बन गया कौन, पश्चिम बंगाल, जिसने CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। अच्छा, इस जो प्रस्ताव पारित किया है इसमें है क्या, तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के सेक्शन 14A के अनुसार केंद्र सरकार को अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों को, यानी कि पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को पंजीकृत करना होगा तथा पहचान पत्र भी जारी करना होगा, ऐसा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये चौथा राज्य है, तो तीन राज्य कौन से हैं, तो पहला केरल है, दूसरा पंजाब है, और तीसरा राजस्थान, और चौथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो इसको मैप में ये दिखाया गया है, राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी, और चीफ जस्टिस कौन है, TB राधाकृष्णन इसके चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैरी कॉम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली हो जाएगा पहली महिला खिलाड़ी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहली महिला खिलाड़ी बनी, ठीक है। तो देखिए, 6 बार की मुक्केबाज रह चुकी मैरी कॉम को, ठीक है, क्या नवाजा जाएगा इस बार, पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो ये है MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं मुक्केबाजी में, ठीक है। और यदि बात की जाए पद्म विभूषण की, तो ये इस बार 7 लोगों को दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि पद्म भूषण पुरस्कारों की क्या हो गई है, घोषणा हो गई है, और इस बार 141 पद्म भूषण या पद्मश्री सम्मान दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस झांकी ने 71वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि असम की झांकी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा ये बाल बताया गया है कि असम की झांकी ने 71वें गणतंत्र दिवस पर क्या जीता है, प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जल शक्ति मिशन की झांकी को मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, और राज्यों में किसे चुना गया है, असम की झांकी को चुना गया है। अच्छा, NDRF की बात आई है, तो आपको याद रखना है कि NDRF की जो झांकी थी वो पहली बार इस 71वें गणतंत्र दिवस पर क्या हो रही थी, प्रदर्शित की जा रही थी। जबकि यदि बात की जाए 71वें गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक थीम लगाई जो कि असम की झांकी की थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि असम की ओर पहले देखते हैं। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, स्वाति विधान बरुआ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस देश ने 50 पेंस के सिक्के जारी किए हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ब्रिटेन ने EU यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने को एक स्मृति के रूप में याद रखने के लिए 50 पेंस के सिक्के जारी किए हैं। तो ये है 50 पेंस के सिक्के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बात करेंगे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। और राजा कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय इसके राजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चीन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक, तो पहला कौन है? तो पहला अमेरिका है। हाल ही में एक स्वीडिश रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार चीन जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है। यदि बात की जाए चीन की तो उसकी राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है सी जिनपिंग और मुद्रा क्या है? रेमिनबी इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो रोज सुबह 5 AM पर चलती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियो देखें, और जो रोज़ रात में टेस्ट होता है आपका रात में 9 बजे, उसको आप डेली अटैम्प्ट करें। साथ ही साथ जो मेरे करंट अफेयर्स से वीडियो नहीं पढ़ता है वो अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। यदि उसकी करंट अफेयर्स अच्छी है तो आप आइए, मेरा टेस्ट दीजिए और अपने ताकत को निहारिए कि आप कितने ज़्यादा पानी में हों, ठीक है। तो आपको डेली टेस्ट तो देना ही है, और साथ ही साथ जो मेरे चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, बाकी सभी तो फैमिली मेंबर हैं ही, तो उनसे गुजारिश है कि आप लोग ये सुबह वीडियो देखा करें। और रात में अगर आप जैसे नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आप ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आप 1 मिनट की टिकटॉक वीडियो, आपको टिकटॉक में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सर्च करना है @TarikSarwar, बस आपको हमारा चैनल का मिल जाएगा 1 मिनट की करंट अफेयर्स का वीडियो, ठीक है। खैर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य अपने अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला किया है कि वे एक आइसोलेशन वार्ड स्थापित करेंगे, यानी कि वह वार्ड जो सबसे अलग होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है अभी इस समय कोरोना वायरस जो कि चीन में पता लगाया गया था, जिसका वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसी के चलते हुए यूपी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये फैसला किया है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर इसके मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यानी कि कल के प्रश्न की ओर। गंगा बोलगा संवाद भारत तथा किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन सी यानी कि रूस, इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो सिर्फ 2 लोगों ने इसका पूरा डिटेल में आंसर दिया, तो बाकी लोग तो क्या करते हैं, आए ऑप्शन सी रूस, जैसे कि कोई मतलब ही नहीं हो। तो आप लोग यदि सीरियसली पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई भी आपको सीरियसली मार्क्स देगी, वरना अभी तक जिस प्रकार से पढ़ते हुए आए हो उसी प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ अब सीरियस होने का टाइम है, सीरियस हो जाइए। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। भारत की पहली पक्षी सॉल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।